नमस्कार दोस्तों मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सेशन और आज के इस वीडियो सेशन में हम जानेंगे झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में पांच प्रश्न हैं और अंत में एक अभ्यास प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं आज के वीडियो को पिछले अभ्यास प्रश्न से पिछला अभ्यास प्रश्न था गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी 2023 को झारखंड की राजधानी रांची के मुराबादी में समारोह के दौरान किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया स्वास्थ्य विभाग समाज कल्याण विभाग कृषि विभाग अथवा सूचना व जनसंपर्क विभाग इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सूचना व जनसंपर्क विभाग आइए इसे डिटेल में जानते हैं दोस्तों आपको बता दें कि 26 जनवरी 2023 को झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी में राज्यपाल ने झंडोत्तोलन किया समारोह के दौरान विभिन्न विभागों यानी नौ विभागों की ओर से आकर्षक झांकियां निकाली गई थीं इन झांकियों में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया सूचना व जनसंपर्क विभाग की झांकी को कृषि विभाग ने भी अपनी झांकी निकाली थी दोस्तों आपको बता दें कि कृषि विभाग ने जो झांकी निकाली थी उसका थीम था अंतर्राष्ट्रीय मिलेट फर्स्ट दो इसमें राज्य के विभिन्न जिलों में उपजाए जाने वाले मोटे अनाज जैसे महुआ कोदो ज्वार बाजरा कगनी गुदली सावा कौनी और जौ से लोगों को परिचय कराया गया चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दोस्तों आज के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न है झारखंड सरकार ने किस जिले में गौमुक्ति धाम का शिलान्यास किया है चतरा कोडरमा पलामू अथवा रांची इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पलामू दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने पलामू ज़िले के नावा बाजार प्रखंड के सिंजो गांव में गौ मुक्तिधाम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है पायलट प्रोजेक्ट के तहत सिंजो गांव में मुक्तिधाम का शिलान्यास किया गया है यह राज्य का पहला धाम होगा जहां गोवंश का अंतिम संस्कार किया जाएगा दोस्तों इस अवसर पर कृषि मंत्री झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्र पत्रलेख ने कुछ अन्य घोषणाएं भी की है आपको बता दें कि पशु चिकित्सालय के लिए जल्द ही एम्बुलेंस की व्यवस्था की घोषणा कृषि मंत्री ने की सरकार राज्य के सौ पशु अस्पतालों को अपग्रेड कर उन्हें मॉडल एनिमल हॉस्पिटल बनाने जा रही है इसकी घोषणा भी मं, मंत्री ने की है आपको बता दें कि पशुपालन यूनिवर्सिटी का निर्माण की भी सरकार की योजना है वर्तमान में बयालीस हजार परिवार दुग्ध उत्पादन से जुड़े हैं और लक्ष्य है एक लाख परिवारों को दुग्ध उत्पादन से जोड़ना वहीं दूध के उत्पादन की बात करें तो राज्य में एक दशमलव आठ लाख लीटर दूध का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है जबकि सरकार की योजना पाँच लाख लीटर प्रतिवर्ष का है ये घोषणाएँ झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्र लेखने ने किया है आइए अब देखते हैं आज के दूसरे प्रश्न को तेईस जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इक्कीस सबसे बड़े अनाम द्वीपों में से एक द्वीप का नाम झारखंड के किस महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जयपाल सिंह मुंडा नीलाम्बर पीतम्बर बिरसा मुंडा अथवा अल्बर्ट एका इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अल्बर्ट एका आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इक्कीस सबसे बड़े अनाम द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है इसमें एक नाम यानी इस सूची में एक नाम झारखंड के लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का का भी है आपको बता दें कि अल्बर्ट एक्का का जन्म जारी गाँव गुमला में हुआ था भारत बांग्लादेश युद्ध के दौरान तीन दिसंबर 1971 को अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे आपको बता दें कि गंगा सागर के पास अल्बर्ट एक्का ने मोर्चा संभाला था यहीं रेलवे स्टेशन में पाकिस्तान के एक सौ पैंसठ मौजूद थे बीस गोलियां लगने के बाद भी अल्बर्ट एक्का ने पाक सेना के बंकर को ध्वस्त कर दिया था आपको परमवीर चक्र के बारे में बता दें कि परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है यानी युद्ध काल के दौरान वीरता के लिए या विशिष्ट कार्यों के लिए सैनिकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है तो दोस्तों ये था आज का से दूसरा प्रश्न आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के तीसरे प्रश्न को केंद्र सरकार द्वारा चयनित स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दो हज़ार में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला तीसरा पाँचवाँ अथवा सातवाँ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तीसरा आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 22 के लिए चयनित विद्यालयों में झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 22 के लिए झारखंड के तीन विद्यालयों का चयन पुरस्कार हेतु किया गया था तीनों चयनित विद्यालय माध्यमिक विद्यालय हैं इनमें दो विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के और एक शहरी क्षेत्र के हैं इनमें सोनाहााथू और नुआमुंडी का कस्तूरबा गांधी विद्यालय है जबकि कदमा का उच्च विद्यालय टाटा वर्कर्स यूनियन भी इसमें शामिल है आपको बता दें कि इसके लिए देश भर से कुल उनचालीस विद्यालयों का चयन किया गया था जिसमें झारखंड के तीन विद्यालयों को फाइनली इसमें पुरस्कृत किया गया विद्यालयों को पुरस्कार स्वरूप साठ हजार रुपये व प्रशस्ति पत्र दिया गया है चलिए अब देखते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न को भारत सरकार के आज़ादी के पचहत्तरवें अमृत महोत्सव के अवसर पर इनोवेशन फॉर यू की पहल में झारखंड के किस महिला को जय विज्ञान जय और जय अनुसंधान की श्रेणी में बेहतर पहल बताते हुए देश भर के टॉप पचहत्तर विमेन प्रेन्योर्स में चुना गया है जसिंता करकेट्टा रचिता कासलीवाल विनीता विश्वास अथवा पूनम वर्मा इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रचिता कासलीवाल रांची की रचिता कासलीवाल को स्टार्टअप मेडीसेवा अच्छी सेहत का वादा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैव विज्ञान और जय अनुसंधान की श्रेणी में बेहतर पहल बताते हुए इसे देश भर के टॉप पचहत्तर विमेन प्रेम्योर में चुना गया है ये स्टार्टअप ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवा की उपलब्धता पूरी कर रही है आपको बता दें कि मेडी सेवा वर्तमान में पांच राज्यों के ग्रामीण इलाकों में विस्तार कर चुकी है और इसके विदेश में भी विस्तार करने की योजना है रचिता मेडी सेवा ग्लोबल इंटरप्राइजेस समिट 2022, ग्लोबल हैकाथन 2022, हर्ट पीच कंपटीशन 2022 और टाइगॉन बिजनेस पीच कंपटीशन 2022 की भी विजेता रही हैं आइए देखते हैं आज के पाँचवें नंबर प्रश्न को गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड पुलिस के कितने पुलिस पदाधिकारी पदाधिकारियों और जवानों को केंद्र द्वारा पदक से सम्मानित किया गया है पाँच नौ सत्रह अथवा बाईस इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बाईस आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड पुलिस के बाईस पुलिस पदाधिकारियों व जवानों को पदक से सम्मानित किया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार झारखंड पुलिस के नौ पुलिस अधिकारियों जवानों को पुलिस वीरता पदक एक को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक व बारह को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिया गया है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को आज का अभ्यास प्रश्न है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत इस जिले से की है दुमका गढ़वा रांची अथवा पश्चिमी सिंहभूम दोस्तों इस आज के अभ्यास प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ धन्यवाद